एक डिस्क्वालीफाइड बंदे को प्राइम मिनिस्टर कहता मेरा लीडर है, तो एक अजीब गरीब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है अब मुल्क में। अगर आप देखें इमरान खान का कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा करना कोई अनहोनी नहीं, सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन का कहना है मुल्क में हुकूमत मौजूद ही नहीं, ना अहल शख्स को वजीर आजम अपना लीडर कहता है, ऐसे में फौरी इलेक्शन होने चाहिए। ये गवर्नमेंट तो मौजूद नहीं है, एक डिस्क्वालीफाइड बंदे को प्राइम मिनिस्टर कहता मेरा लीडर है, मेरा वजीर आजम है, ये वहाँ जाके सैलेड में नाहल आदमी को पार्टी सरबराह बनाने की करारदादे पास करवा रहे हैं। मुल्क जो है वो मजाक बना हुआ है, तो इसमें यही बेहतर है कि फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़ी जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। सीनियर तज्जियाकार काजी सईद ने इमरान खान के मुतालबे को जमहूरी करार दिया। उनका कहना है कि दुनिया भर में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। जो उनका ये कहना ये दुरुस्त है कि ये एक अजीब और गरीब कहानी है, और कहानी ये है कि एक इदारे ने एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला है और आपकी सारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो उनकी उनकी तस्वीर करती रहती है या उनके, तो एक अजीब और गरीब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है अब मुल्क में। अगर आप देखें 24 न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही का कहना था कि 28 जुलाई के फैसले से इलेक्शन की बातें हो रही थी, सेनेट इलेक्शन से पहले असेंबली तहलील करने का कहा जा रहा था। काफी सारे जो हमारे पावरफुल जो फैक्टर्स हैं, जो पावरफुल सेक्शन है, उन्होंने इनको कन्वे किया है कि आप अगला कम अज कम ये जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले पहले अपनी असेंबलियां जो है डिसॉल्व करें। इमरान खान ने तो मुतालबा कर दिया, अब देखना यह है कि दीगर सियासी जमातें क्या करती हैं।